अब गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू होगी। इससे पहले बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि इसमें स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती शामिल की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की अब हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने स्टार्टअप की तारीफ करते हुए कहा कि साल 2013-14 में जहां 4000 पेटेंट्स को स्वीकृति मिली थी, वहीं पिछले साल 28000 से ज्यादा पेटेंट्स ग्रांट किए गए। पीएम के मुताबिक वर्ष 2013-14 में जहां करीब 70000 ट्रेडमार्क्स रजिस्टर हुए थे, वहीं 2020-21 में इसकी संख्या 2.5 लाख से ज्यादा हो गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी ने अपने 107 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दिया, जिसमें 63 सिटिंग विधायकों को पार्टी ने दोबारा प्रत्याशी घोषित किया है, 21 वर्तमान विधायकों को टिकट नहीं दिया है। आज जारी सूची में 44 ओबीसी, 19 एससी और 10 महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से केशव प्रसाद मौर्य, प्रयागराज की सिराथू और नोएडा से पंकज सिंह, मथुरा से श्रीकांत शर्मा और कैराना से मृगांका सिंह चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा सरधना से संगीत सोम उम्मीदवार होंगे। आगरा ग्रामीण से बेबी रानी मौर्य, मेरठ से कमलदत्त शर्मा, देवबंद से बृजेश सिंह रावत, रामपुर मनिहारन से देवेंद्र, कुंदरकी से कमल प्रजापति, अमरोहा से मोहन कुमार लोधी, रामपुर से आकाश सक्सेना और गाजियाबाद शहर सीट से अतुल गर्ग प्रत्याशी होंगे। फरीदपुर से श्याम बिहारी लाल, थाना भवन से सुरेश राणा, मुजफ्फरनगर से कपिल अग्रवाल, बरौली से ठाकुर जयवीर सिंह, बरेली कैंट से संजीव अग्रवाल, साहिबाबाद से सुनील शर्मा, शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना और गुन्नौर से अजित कुमार उम्मीदवार होंगे। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आज अपने जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 58 सीटों में से 53 पर प्रत्याशियों की घोषणा की। पहली सूची में नोएडा से कृपाराम शर्मा, दादरी से मनवीर सिंह भाटी और जेवर से नरेंद्र भाटी, दादा का नाम शामिल है। गौतम बुद्ध नगर जिले में दादरी बसपा सुप्रीमो मायावती का गृह क्षेत्र भी है। बसपा की सूची के अनुसार शामली की कैराना सीट से राजेंद्र सिंह उपाध्याय, शामली सीट से बृजेंद्र मलिक, मुजफ्फरनगर से पुष्पाकन पाल, सरधना से संजीव कुमार धामा, मेरठ कैंट से अमित शर्मा तथा मेरठ दक्षिण से कुंवर दिलशाद अली, मुरादनगर से अयुबेद ऋषि, गाजियाबाद से सुरेश बंसल तथा मोदी नगर से पूनम गर्ग प्रत्याशी होंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आज 86 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इसमें सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से चुनाव लड़ेंगे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे, प्रताप सिंह बाजवा कादिया से और सिंगर सिद्धू मूसेवाला मानसा से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा मोगा से पार्टी ने एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका सूद को टिकट दिया है। गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को डेरा बाबा नानक से टिकट दिया, जबकि पंजाब के उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी को अमृतसर सेंट्रल से उतारा गया है। सनौर विधानसभा सीट से हरिंदर पाल सिंह मान को प्रत्याशी बनाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैनात होने वाले पर्यवेक्षकों से कहा कि वे निर्वाचन आयोग की आंख और कान बनकर काम करते हुए नजर आएं, लोगों की पहुंच में रहें, तटस्थ और नैतिक रहें। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि दल बदल कानून को बहुत सख्त बनाने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा, सपा ने सत्ता में आते ही संत रविदास नगर का नाम फिर से भदोही कर दिया था, यह उसका दलित विरोधी रवैया नहीं तो क्या है। मायावती ने कहा, देश में चुनाव के नजदीक आते ही स्वार्थी किस्म के लोगों का दल बदल करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसे ध्यान में रखकर अब दल बदल कानून को सख्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि इससे हमारे लोकतंत्र पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लखनऊ में गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची सपा कार्यालय। ACP अखिलेश प्रताप सिंह माइक में अनाउंस करके कार्यकर्ताओं को दे रहे दिशा निर्देश, धारा 144 और आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। यहाँ भीड़ ना लगाइए, आप लोग COVID-19 के गाइडलाइन का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, मास्क लगाइए, अनावश्यक धारा 144 लगी हुई है, आप लोग इकट्ठा ना होइए, नहीं तो आप लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन गिरफ्तार। पूर्व में दर्ज मुकदमों को लेकर की गई गिरफ्तारी कोर्ट में नाहिद हसन को पेश किया गया। 11 महीने पहले गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। कैराना से सपा के उम्मीदवार भी हैं नाहिद हसन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से शुक्रवार को भेंट के बाद गठबंधन की संभावना जताने वाले भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने आज उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने खुद को अपमानित करने का आरोप लगाया है। चंद्रशेखर ने अखिलेश पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि गठबंधन में वे दलितों को नहीं चाहते हैं। सब्सक्राइब अविरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।